आज हमारे कोर ग्रुप की बैठक थी। इस बैठक में ये चर्चा आई थी, हमारे संज्ञान में ये सीधे तौर पे नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है, कोई मीटिंग किसी के व्यक्तिगत निवास पे हुई है, तो वो गलत है। अगर मेरे ध्यान में व्यक्तिगत नहीं है वो, अगर किसी ने आके किसी के घर पे मीटिंग ली है तो वो गलत है। और मीटिंग को प्रॉपर रेस्ट हाउस में या किसी कार्यालय में लेना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत निवास पे नहीं लेना चाहिए। अधिकारियों की मीटिंग में कोठी पे मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं। अगर किया है तो वो कर ही नहीं सकते, उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं। अधिकारियों को बुला नहीं सकते वहाँ पर कोठी पे? देखिए, वो चेयरमैन है, वो बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा बुलाया तो गलत है। मुझे भी इस बात का भी पता लगा है, बातें सुनी है। जगह ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत ही बुरी बात है। जेकर कृष्णा ग्रहपति की वाली जो बात है, जेकर वो सुमिता सिंह की कोई रिलेटिव है तो वो जाए आए बैठे खाना खाए उसके कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जेकर अधिकारियों की मीटिंग उसके घर पे हुई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका मामला जो है, हम लोग अपने तरफ से भी सीएम साहब से बात पहुँचाएंगे, बात करेंगे, और जेकर ऐसा कुछ हुआ है इसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल गलत हुआ, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। बात भी सामने आई है कि पूर्व विधायक जो सुमिता सिंह के घर पे मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों की मीटिंग हुई है, उनकी जो समधी है इसकी भी जांच। कृष्णा गहलोत जी उनके रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार के पास जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा, मेरे पास भी, हमारे पास भी अभी बैठक में भी इस बात की चर्चा हुई है और सब लोग इससे नाराज है कि अफसरों की मीटिंग को अगर उनके घर पे बुलाया गया तो वो गलत है, निश्चित तौर पर गलत है। वो हमारे मार्केटिंग बोर्ड का सारा काम देखती है, वो जहां भी उठाए जाए सरकार के नियम के अनुसार कहीं भी बैठ करके बात कर सकती हैं। नियम से बाहर जाकर के अधिकारियों की बैठकों में लेना, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं और बैठ के कैसे किस तरह से अधिकारियों की बैठकें होती है, तो जांच होनी चाहिए। घर में उसको सब लोग, करनाल के लोग, जनता से, ये सारी जनता नाराज है, इस तरह की गतिविधि नहीं होगी। जांच होनी चाहिए। सीएम कैंप ऑफिस में जो 12 लोगों की करनाल विधानसभा ग्रुप के लोगों को जिम्मेवारी दी है सीएम साहब ने, सारे विकास के काम और सारी समस्याओं को देखने के लिए, उसकी हर हफ्ते बैठक होती है और उसी की नियमित बैठक होती है। उसमें करनाल के लोगों की समस्याएं सुनी है हमने सारी, वो तो आपको डिटेल में, क्योंकि अध्यक्षा जी हैं हमारी सीमा के सब जी, वो कार्रवाई के बारे में सारी बताएंगे। लेकिन एक बार मैं आपको मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ कि सुमिता सिंह जी का एक बयान आया है कि सब्जी मंडी गलत से होती है। मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, कुछ वायदे उन्होंने चुनाव के दौरान हमारे जनता से किए थे, एक एक करके पूरे हो गए। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिल नहीं सकता, हरियाणा की जनता को इस पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि सब्जी मंडी गलत शिफ्ट हुई है। मैं बैंक जी से जानना चाहता हूँ, सुमिता सिंह जी हमारे माननीय अध्यक्ष अपना वो महिला मोर्चा की हरियाणा प्रांत की अध्यक्षा भी रही हैं कांग्रेस की, और 10 साल तक करनाल की जनता ने उनको विधायक का भी काम दिया, उसमें कितने काम करवाए थे। और ये जो कितनी गलत बयानबाजी है, वो कह रही है कि भाई करनाल की सब्जी मंडी गलत शिफ्ट हुई है। सुरेंद्र नरवाल जी, आप सबको मालूम है, मीडिया के भाइयों को भी मालूम है, करनाल की पूरी जनता को मालूम है कि सुरेंद्र नरवाल जी जबरदस्ती उसका रिबन काटने के लिए गए थे चोरी से, कि हमने इसको करवाया था चोरी से। वो भी आप में से कोई जागरूक मीडिया के कर्मी है, मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उनको जाकर के कवर किया था। मेरे से एक दो वो उनका रिबन काट रहे थे धक्के से। और सुमिता सिंह जी 10 साल तक करनाल की विधायिका रही, और इस चुनाव में माननीय मनोहर लाल जी के सामने सुरेंद्र नरवाल जी प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने चुनाव लड़ाया, करनाल की जनता ने उनको कितना समर्थन दिया है आपके सबके सामने है। सुमिता सिंह जी को ये नहीं पता कि आपके नरवाल जी और आपके प्रत्याशी, वो खुद करनाल विधानसभा को छोड़ करके संघ में चली गई, वो कह रहे हैं कि ये मैंने कांग्रेस ने करवाया उसका रिबन काट रहे हैं, और बैंकी सुमिता सिंह जी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। बात है तो आप सब ने तो बात को इस चीज को
ये तो आज बंद कर रहे हैं आज हमारी 12 सदस्यों की मीटिंग हुई है सीएम कैंप ऑफिस में। हमारे 12 सदस्यों की एक कोर कमेटी बनी हुई है जो कि सीएम साहब ने बनाई है, जिसमें करनाल विधानसभा कोर कमेटी के सिक्के का नाम दिया है और हमारे शहर के लोगों को जो भी समस्या हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सभी यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आते हैं। हमारे पास तकरीबन रोज़ 20-25 लोग समस्या लेकर आते हैं और हम प्रयास करते हैं कि उनकी समस्या का हल उसी समय कर दिया जाए, और जिस समस्या का हल उस समय नहीं कर सकते, जैसे कोई ट्रांसफार्मर है, कोई सीएम साहब से बात करने जो है, तो हम वो ले लेते हैं और हम वो सीएम साहब को पहुंचा देते हैं। आज हमारे पास कई छोटी से छोटी समस्याएं आई हैं कि बिजली की बोर्ड की कंप्लेंट थी, एक मंगल कॉलोनी में बिजली की तारें लटक रही हैं उसके लिए कंप्लेंट थी, एक शिव कॉलोनी में पानी की समस्या थी, एक फ़ोन किया है हमने सीएमओ साहब को, किसी के डेट ऑफ बर्थ का चक्कर था, एक डेरा है काछवा डेरा उसमें उसकी ये कंप्लेंट है, उसमें लाइट लगवानी है, एक डीसी रेट पे लोगों ने लगना है, जैसे कई हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बच्चे हैं, तो ऐसे हमारे पास छोटी से छोटी समस्याएं आ रही हैं। कुछ नाले साफ करवाने हैं, कई जगह पर सड़कें बनवानी हैं, सड़कों की कई समस्याएँ हैं और कई मलबा पड़ा है कई गलियों में, उसकी समस्याएं ऐसी ही, मतलब छोटी से छोटी समस्याएं, और हम एट ए टाइम वो फ़ोन कर देते हैं एसडीए को, एक्सीएन को, हमारे पास कमेटी के तो बैठे ही हमारी मेयर साहिबा, हम इनको फ़ोन कर देते हैं और इनके प्रयास से कमेटी के काम तो हो ही जाते हैं।